में कितने गांव प्रभावित हुए और कितनी आबादी प्रभावित हुई और क्या प्रशासनिक जो है इंतजाम किए गए। जनपद हरदोई में चार तहसीलें सवाईपुर, शाहबाद, बेगराम और हरदोई सदर, इन चारों गांव में मिलाकर कुल 135 गांव हमारे प्रभावित हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र हमारा शाहबाद का रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गर्रा नदी का जलस्तर घटने के कारण जिन जिन गांवों में और जिन जिन घरों में पानी गया था, शाहबाद तहसील के हमारे 2500 गाँव लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब घरों से पानी निकल चुका है, गाँव के किनारे पानी लगा है। अब शाहबाद के बाद सवाईपुर और हरदोई सदर के जो गाँव हैं वहाँ भी जलस्तर घट रहा है। उम्मीद है कि 24 घंटे बाद ये जलस्तर काफ़ी कुछ घट चुका होगा। कल से आज तक लगभग 1.5 से 2 फीट पानी कम हुआ है। अब लोगों में ये धीरे धीरे विश्वास पैदा हो रहा है कि अब वो अपने घरों तक शायद कल तक पहुंच पाएंगे। जिन जिन गांव में जो घर बाढ़ से प्रभावित हुए थे उनके लिए हमने बाढ़ राहत केंद्रों की भी व्यवस्था कराई थी। दोनों समय का कच्चा और पक्का भोजन की भी व्यवस्था कराई गई थी। जो शासन से राहत किट मिलती है जिसमें 10 किलो आटा होता है, चावल होती है, दावल होता है, मोमबत्ती होती है, लाई चना, सब्जी, तेल, माचिस, जो व्यवस्थाएं की जाती है वो सब भी हम वितरित करा रहे हैं। और साथ ही साथ किसी को कोई जलजनित बीमारी ना हो इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट्स भी वितरित करा रहे हैं गांव-गांव, घर घर। साथ ही साथ अगर किसी को कोई दस्त, बॉडी एक, बुखार, सर्दी, जुकाम की परेशानी है तो उसके लिए चिकित्सीय टीमें हमारी हर गाँव में गठित हैं। वहाँ चिकित्सीय टीमें जा रही है, लोगों का इलाज भी करा रही है और दवाई भी वितरित कर रही है। साथ ही साथ पशुओं को कोई सुविधा ना हो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है उन पशुओं को भी हम लोग राहत केंद्रों तक ले जा रहे हैं और उन्हें भूसे आदि की भी व्यवस्था करा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति अब सामान्य है और उम्मीद ही है कि अगले 24 से 36 घंटों में स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।